मना रहे हम सब, तो गुरु का कितना महत्व है। आज जगह जगह गुरु पूर्णिमा को जो जिसको गुरु मानते हैं उसका कितना सम्मान करते हैं। हम सब गुरु की महिमा भी कितनी करते हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवा महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की कितनी महिमा की, क्योंकि जीवन में सभी संबंध होते हुए माता पिता बंधु मित्र संबंधी पत्नी बच्चे, लेकिन एक दिन आता है जो गुरु की आवश्यकता होती। क्योंकि कहते हैं गुरु बिना गति सदगति नहीं, लेकिन हम ये जाने गुरु कौन जो हमें गति सदगति दे।
ऐसे तो गुरु के लिए कितनी महिमा की गई है। कबीर दास ने कहा, गुरु कुम्हार है और शिष्य को कुंभ बताया और कहा, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंदर से हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट। कितनी महिमा की है गुरु की, कि गुरु अपने शिष्य को क्या चाहता है, इतना अच्छा बनाना चाहता है। इसलिए बाहर से भले कुछ शक्ति दिखाए लेकिन अंदर में उसके प्रति शुभ भावना रहती है, नहीं तो वो मिट्टी का मिट्टी रह जाए। माँ बाप पालना करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन गुरु ही उसके अंदर जीवन में वो कला भरता है, पुण्यत्व की ओर ले जाता है, इसीलिए गुरु की महिमा करते हैं। आज हम देखते हैं हर एक के सम्मान के लिए कोई न कोई डे मनाते हैं। कभी मदर्स डे मनाते हैं माँ का सम्मान करने के लिए, कभी फादर्स डे मनाते हैं, कभी फ्रेंड्स डे मनाते हैं, आजकल तो बहुत मैरिज डे भी मनाते हैं, बच्चे मनाते हैं माँ बाप का। हाँ जी, क्योंकि कैसे सम्मान करें इसलिए मनाते हैं। लेकिन आज ये गुरु पूर्णिमा, तो इसको गुरु डे नहीं कहेंगे, गुरु डे नहीं कहते हैं। हम सभी गुरु के सम्मान के लिए ही ये दिवस मना रहे हैं, लेकिन गुरु डे न करके गुरु पूर्णिमा, क्योंकि वो पूर्ण माँ है जो हमें इतने ऊंचे शिखर पर ले जाता है, इसलिए उसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। तो देखा, लेकिन दुनिया में जो गुरुओं की आज हम महिमा करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ ऐसी कमी आती है। जैसे दिखाया एकलव्य की जो कहानी बताई है, सभी जानते भी होंगे, उसका भी एक कारण बताते हैं गुरु पूर्णिमा में, उनका भी यादगार है एकलव्य का। तो गुरु द्रोणाचार्य को उसने, एकलव्य ने अपना गुरु माना था, लेकिन द्रोणाचार्य ने स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि उनको था राजकुमारों को ही उनको शिक्षा देनी थी, इसलिए उसने क्या किया था, मिट्टी का बना लिया था ये। लेकिन एक बार गुरु द्रोणाचार्य एक जंगल से जा रहे थे, वहां देखा ये कुत्ता आ रहा है और कुत्ते के मुंह में देखा उन्होंने बाण। उन्होंने सोचा कि यहाँ इस घने जंगल में कौन ऐसे हो सकता है, कौन गुरु है, कौन शिष्य है। देखते देखते क्या देखा, उसका मुंह पूरा बाणों से भर गया, कुत्ता का भौंकना बंद हो गया। फिर इधर उधर देखा तो एक बालक दिखाई पड़ा, उससे पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है, तो उसने बताया, मिट्टी की मूर्ति दिखाई और कहा, ये गुरु द्रोणाचार्य की मैंने मूर्ति, क्योंकि दिल में ठान लिया था कि उनका ही शिष्य मैं बनूंगा। उनको थोड़ा सा दिखाया कि आया मन में, वो तो सोचते थे अर्जुन ही सबसे श्रेष्ठ उनका शिष्य होगा, अर्जुन को जो रात दिन सिखा रहे थे साथ में रहकर, तो वो अर्जुन से कम नहीं था, अर्जुन के बराबर ही देखा। तो क्या किया, कोई भी डे मनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, गिफ्ट देते हैं। लेकिन ये जो गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, इसमें हम गिफ्ट नहीं कहेंगे, गुरु दक्षिणा। तो उन्होंने दक्षिणा में क्या मांगा। अब ऐसे कर सकते हैं, दुनिया में जो गुरुओं का गुरु परम सत गुरु है, वो ऐसे किसी के साथ मतभेद कर सकता है। जो उन्होंने अपने शिष्य से, शिष्य को तो बनाना चाहते हैं गुरु, ना कि उनको अपंग बना देंगे। जो क्या मांगा, दाहिने हाथ का अंगूठा ही मांग लिया। और ये सभी को पता है कि धनुर्विद्या में दाहिने हाथ के अंगूठा की कितनी उपयोगिता है। तो एक तरफ गुरु की महिमा करते हैं और दूसरी तरफ ऐसा गुरु जो अपंग बना दे। फिर कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मुझे माफ कर देना और ये वरदान दिया कि तो आपकी यादगार में, तुम्हारी यादगार में ये गुरु पूर्णिमा का होगा। ऐसे हो सकता है क्या। लेकिन
गुरुओं का गुरु हो तो हर एक के साथ समान भाव करेगा, मतभेद नहीं करेगा। यहाँ एक तरफ गुरु की इतनी महिमा की है और दूसरी तरफ इसको क्या कहेंगे। दूसरी एक भक्ति में एक और कथा सुनते थे, शायद सभी ने नाम सुना होगा, गोरखनाथ का और मच्छेन्द्रनाथ का। गोरखनाथ शिष्य था और मच्छेन्द्रनाथ जो था वो गुरु था। तो एक बार गोरखनाथ कहीं से भिक्षा जो लेकर आए, उसमें सब चीजें थी लेकिन दही बड़े जो थे वो गुरुजी को बहुत पसंद आए। तो उन्होंने अपनी इच्छा जताई कि अगर और ये मिल जाए जिस घर से लाए हो तो बहुत अच्छा रहेगा, मुझे बहुत अच्छे लगे। जब शिष्य गोरखनाथ गया उसी दरवाजे पर, तो उसको थोड़ा उस माता को गुस्सा आ गई, गेट खटखटाया, आई बाहर, उसको थोड़ा गुस्सा आया, कहा भी तुम्हारा पेट नहीं भरा। तो उसने कहा नहीं, हमारे गुरु जी को पसंद है। उन्होंने कहा ऐसे नहीं हो सकता है। तो उसने कहा जो भी आपको परीक्षा लेनी हो लो। तो उन्होंने कहा मैं जब तक लाती हूं दही बड़े तब तक तुम अपनी आंख निकाल कर दे दो। ऐसे भी शिष्य की महिमा, और उसने बिना सोचे समझे दोनों आंख निकाल कर दे दी। यहां तो परमात्मा हमारा दिव्य नेत्र विधाता है, आकर हम बच्चों को तीसरा नेत्र देता है। फिर क्या हुआ, वो जब माँ दही बड़े लेकर आई, माता वो लेकर आए अपने गुरु के पास दिया, जब गुरु ने देखा तो उसकी आज्ञाकारिता को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने क्या किया, उसको नेत्र भी, वो अपनी शक्ति से नेत्र भी प्रदान किए और उसको दिव्य नेत्र का वरदान भी दिया। तो आज ये कहानियां हमें क्या सिखाती हैं, सचमुच हम सब बच्चे जो यहाँ बैठे हैं तो गुरुओं का गुरु परम सत्य गुरु जिसकी इतनी ऊंची महिमा है, उस गुरु को हमने मान लिया जो को सचमुच गति सदगति का मार्ग दिखाते हैं। लोग कितनी भावना से अपने गुरुओं के पास जाते हैं लेकिन गुरु वही जो गति सदगति दे। तो हम सबको दक्षिणा क्या देनी है, गुरु दक्षिणा देनी है ना। दक्षिणा का अर्थ ही है अपनी बुराई जो हमें संपूर्णता की तरफ ले जाने में विघ्न डालती, बाधा डालती है। आज वो कमजोरी जरूर गुरु दक्षिणा में दे देना, क्योंकि कोई ना कोई बुराई है जो हमको आगे संपन्न नहीं बनने देती, संपूर्ण नहीं बनने देती है। तो उस बुराई का दान करना ही सच्ची गुरु पूर्णिमा मनानी है। तो आज हम सभी गुरु पूर्णिमा में गुरु दक्षिणा जरूर ये देंगे, है ना। क्योंकि जब हमें तो पहचान मिल गई ना, आज ही बावन मुरली में क्या कहा, तुम पहले बेसमझ थे अभी समझदार बने हो, तो समझ कर काम करना है। तो हमें सच्ची सच्ची गुरु दक्षिणा देनी है, है ना। क्योंकि गुरु दक्षिणा बिना भगवान कैसे हमको, वो गुरु हमको कैसे स्वीकार करेगा, ऐसे तो स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए हमें गुरु दक्षिणा अपनी कमियों को दान करना है, देना है, है ना। तो अभी हम सब आगे, फिर आगे का जो प्रोग्राम है, तो कहा गया है गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु अपना है जिसने गोविंद मिल दियो मिलाए। तो बलिहारी गुरु आपने जिसने हमको गोविंद को मिलाया, तो उसका भी तो हमें सम्मान करना है, करना है ना सम्मान। तो ऐसे गुरु का भी हमें सम्मान करना है जिसके लिए अभी सब हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो आगे का फिर हम सब देखते हैं। ओम शांति, ओम शांति। आज विशेष विशेष गुरु पूर्णिमा का दिन है और आदरणीय दीदी जी हम सबके सन्मुख हैं, जिन्होंने हम लोगों को आगे बढ़ा करके हमारे गौरव को ऊंचा किया। कहाँ हम लोग
कैसे जीवन में पड़े थे और आके उन्होंने कैसे हमारे जीवन की लाइफ को ऊंचा उठा दिया। तो गुरु कौन है जो कि हमें सत मार्ग दिखाए, जो हमें सत शिक्षा दे, सदगति करे, जो हमें विषय सागर से पार ले जाए, जो हमारी जो है बिगड़ी को बनाए, उसी को गुरु कहते हैं। तो गुरु और सतगुरु दोनों में अंतर है ना। तो गुरुओं का गुरु तो शिव बाबा है, उन्होंने हम आत्माओं को सबको निमित्त बनाया और निमित्त बना के बाबा ये कार्य करा रहे हैं। तो ज्ञान तो बहुत ऊंचा है जैसे सतगुरु ने दिया है हमको, कैसे इस विषय सागर से बचाया, क्योंकि जीवन ऐसे ही चला जाता है, मनुष्य समझ नहीं पाता, अंत तक नहीं समझ पाता है। कहते जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, मन की मशीनरी ने तब ढंग से चलना सीखा जब तन के एक एक पुर्जे पर जंग आया, सिमरण का समय नहीं निकला, सिमरण का समय नहीं निकला, समय प्रभु से तब मांगा जब वक्त तंग आया। जब समय खराब आ जाता है, कान से सुनाई नहीं देता, आंख से दिखाई नहीं देता है, मनुष्य चलने में असहाय हो जाता है, तब भगवान की तरफ देखता है। भगवान तो क्या कहते हैं कि भाई तूने ऐसे ही जीवन गंवा दिया, तुम्हें हीरे जैसा जीवन दिया, तुमने ऐसे ही गंवा दिया, अब ये जीवन का क्या करेंगे अब, है ना। अच्छा जीवन था तब आपने ऐसे ही संसार की इच्छाओं में, शारीरिक इच्छाओं में अपने जीवन को व्यर्थ गंवा दिया। अब व्यर्थ जीवन ये लौट के थोड़ी आएगा। कहते हैं मछली जो है सुखी किसमें रहती है, जल में, सुखी मीन जहां नीर आ ना, ये गुण क्या था, भगवान की शरण में जो सुख है वो कहीं भी नहीं सुख है। भगवान ने इतना सुंदर जीवन दिया था, हम देवी देवता के रूप में थे, आज क्या जीवन हो गया हमारा, क्योंकि कौड़ी मिसल जीवन हो गया। अभी जीवन को जो रह गया है उसे हम संभाल लें, आगे बढ़ा लें, कुछ इससे शिक्षा ले लें, तो कि ये जीवन आपका और आगे चला जाएगा। क्योंकि अगर भगवान के मार्ग पर एक कदम चलते हैं तो 10 कदम वो मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन यह है हिम्मत आपको करनी पड़ती है। हिम्मत तभी करेंगे जब परिचय होगा उसका, परिचय से ही भगवान से संबंध जोड़ा जाता है, क्योंकि बिना परिचय के संबंध नहीं बनता है। जैसे आप जो है पावर हाउस से कनेक्शन होगा तो लाइट आती रहेगी, ऐसी पावर हाउस कौन है, शिव बाबा है। हम सब जो है उससे ऊर्जा लेते हैं, जो कि अपनी बिगड़ी हुई जिंदगी को बनाते जाते हैं। और देखो मनुष्य ही अपने कर्म का निर्माता है, अच्छे कर्म करते हैं तो सुख मिलता है, गलत कर्म करते तो दुख मिलता है। तो सुख दुख की बटन तेरे हाथ में है बंदे, तू ही स्विच ऑन करता है, तू ही स्विच ऑफ करता है। प्रभु न दंड देता न माफ करता है, वो कर्म फल तराजू है जो न्याय करता है। तो देखिए मनुष्य अपने आप ही अपने आप को दुख देता है, अपने आप को सुख देता है, लेकिन समझ चाहिए ना। समझ से हर काम होता है। लाइट जल रही है तो लाइट में चाहे आप जो है दिखाई देता है, अंधेरा है तो कुछ नहीं दिखता है। तो हमारे अंदर बुराइयों का अंधेरा इतना ज्यादा हो गया है, आज हम देख रहे हैं चरम सीमा पर बुराइयां हैं और दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। और हमें क्या करना है, हमें सतगुरु की शरण लेनी होगी, हमें उस परम पिता की शरण लेनी होगी जैसे जो हमें जीवन को पूज्य बना रहा है। कहां आप पुजारी कहां पूज्य, तो पूज्य पद ऊंचा है ना, तो पूज्य कब बनेंगे, पूज्य तभी बनेंगे जबकि हम जो है अपने आप को पहचानेंगे, पिता को पहचानेंगे, अपने घर को पहचानेंगे, तभी पूज्य बनेंगे। और पूज्य जीवन कितना ऊंचा है, देवी देवताओं को भले जड़ मंदिर में बैठे हैं
तभी वो अपनी ऊर्जा जो है बिखेर रहे हैं सारे विश्व में। आप चैतन्य रूप में देखिए, बैठ जाइए और मस्तक के बीच में अपने आप को आत्मा निश्चय करिए और आपसे ऊर्जा निकल रही है, शांति की, सुख की, पवित्रता की किरणें निकल रही है, वो सारे विश्व में फैल रही है। ऐसा आप कह नहीं सकते हमारा योग नहीं लगता परमात्मा से, योग लगा हुआ है हमारा, लेकिन क्या है कि हम जो है विशेष ध्यान दें कि वास्तव में आत्मा कहाँ रहती है। आत्मा तो मस्तक के बीच में सिंहासन पर अपने बैठी हुई है, जो जितना ऊंचा होता है उसका पद उतना ही ऊंचा होता है। तो आत्मा शरीर में और कहीं नहीं है, प्रकृति के बीच में बैठी हुई है और सारे विश्व में ऊर्जा उसकी जा रही है। बस आप एक संकल्प कर लें कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं पुण्य आत्मा हूँ, मैं पूज्य आत्मा हूँ। ये संकल्प करके आप बैठे और आपका योग लग जाएगा। ऐसा नहीं कि योग नहीं लगा है, योग तो लगा ही होता है। जैसे बच्चा होता है, छोटा होता है, उसे माँ से प्यार होता है, जब वो पढ़ने जाता है तो टीचर से प्यार बढ़ जाता है और इसके बाद वो नौकरी करने जाता है तो भी उसका प्यार जो है उससे हो जाता है। ऐसे शादी हो जाती तो पत्नी से होता है, बच्चों से हो जाता है। तो क्या भगवान से प्यार नहीं कर सकते? कर सकते हैं प्यार, लेकिन कब है लगन? लगन है तो रास्ता मिल जाती है। मीरा बाई की लगन थी, देखो उन्होंने बड़ी कठिन परीक्षाएं दी लेकिन वो पास हो गई। ऐसे भक्तों में भी बहुत ऐसे हैं जिन्होंने कठिन परीक्षा देकर अपने जीवन को आगे बढ़ाया। तो आप अपने जीवन में क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप अपने को क्या समझे? मैं शिव शक्ति हूँ, मैं शिव की शक्ति हूँ। तो आपके सामने कोई भी कठिन समस्या भी आएगी ना, वो दूर खटकेगी, लेकिन आप सफलता मूर्त होकर के आगे निकल जाएंगे। तो ये ज्ञान किसने दिया? उस परम पिता परमात्मा ने ज्ञान दिया ना कि शिव की शक्ति के आगे कोई ठहर नहीं सकता। शिव की शक्ति के आगे असुर का नीचे दिखाया ना कि असुर का पार हो रहा है, असुरों का पार कर दिए। असुर कौन है? हमारे अंदर जो बुराइयां हैं। आत्मा में बहुत समय से दीपक जलाया नहीं, काम क्रोध लोभ मय करके भूत बैठे हुए हैं, तो शांति कहाँ मिलेगी आपको? सुख कहाँ मिलेगा? पवित्रता कैसे आएगी? जहाँ पर बुराई है वहाँ अच्छाई आ नहीं सकती। बुराई अच्छाई का संबंध नहीं होता है, एक तरफ होना ही पड़ता है। एक तरफ होंगे, हमारे अंदर नैतिक मूल्य कम होते जा रहे हैं समय के अनुसार। नैतिक मूल्य हमारे बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, हमारे जीवन में अच्छाइयाँ अच्छाइयाँ हो जाएंगी और हम सबको अच्छी दृष्टि से देख सकते हैं। जैसे आप देखेंगे देवताएं कैसे अच्छी दृष्टि से देखते हैं, उनकी सोच अच्छी है ना। जिसकी सोच अच्छी है तो वाणी भी अच्छी होगी, कर्म भी अच्छे होंगे, क्योंकि वो सोचता है मुझे पुण्यात्मा बन के सबको पुण्यात्मा बनाना है। अभी थोड़े से समय में हमें अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना है, क्योंकि वक्त है कम लंबी मंजिल, तुझे तेज कदम बढ़ना होगा। हमें आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है? क्योंकि इसी में नंबर है, इस समय संगम पर भगवान नंबर दे रहा है और हम ऐसे ही समय गंवा देते हैं। तूने रात कमाई सोए के, दिवस कमाया खाए के, हीरा जन्म अमूल है, कौड़ी बदले जाए, कैसे जीवन चला जाता है। देखिए जीवन बहुत सुंदर है और इसमें कांटे तो बहुत होते हैं, लेकिन फूल की तरह आपको सजना है और सजाने वाला बागबान आया है। देखिए जैसे मनुष्य क्रोध करता है तो दुखी होता है, दूसरों को भी दुखी करता है, तो क्रोध नहीं करना चाहिए। इसमें कहते हैं ना, जमी सलाम करे, आसमान सलाम करे, तुम ऐसे क्रोध मत बन जाओ जो फूलों के साथ बागवान सलाम करे, यानी स्वयं भगवान तुम्हें सलाम करे, ऐसे क्रोध मुक्त बन जाना है। तो ये शिक्षा कैसे मिलती है? उस सतगुरु के द्वारा शिक्षा मिलती है।
जब आप लोग यहाँ पर आते रहेंगे तो अपनी लाइफ को संभालते रहेंगे और बहुत अच्छा ज्ञान है और इसे जीवन में धारण करना है। धारण करेंगे आप अपने आप से बातें करते रहेंगे, परमात्मा से बातें करते रहेंगे तो जीवन आपका संभल जाएगा। थोड़ा जीवन रह गया है उसे संभाल करके चलाना है। ओम शांति। एक गीत लेकर गुरु पर तेरा दरबार, उसको भी अच्छा लग रहा है ना, तो गुरु की महिमा का गीत लेकर आ रही हूँ, कुमारी आकांक्षा। शिष्य पाया प्रभु ने खुद से भी ऊंचा, गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे संसार समाया उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। भाई आप सभी शायद जानते हो, जो अपने यही मेहरवान सिंह परवा में वो है, क्या रहे सुखराम सिंह, हाँ सुखराम सिंह जी को नाम सभी जानते होंगे। और जो बाबूजी थे हरगोविंद सिंह नाम था उनका, हरमोहन सिंह, वो आपके दादाजी थे। तो कई बार दीदी ने उनको तो याद किया सुखराम भाई जी को, लेकिन वो किसी न किसी कारण बस नहीं आ पाए। और आज मोहित भाई ने भी कई बार वायदा किया है आ जाए हैं, तो अभी आपके सामने कुछ अपने भाव प्रकट करेंगे। ओम शांति। जैसा कि दीदी ने अभी बताया तो हमारे तीन पीढ़ी से लोग जुड़े रहे हैं इस आश्रम से, और यहाँ तक कि जब इस आश्रम की स्थापना हुई तो हमारे दादाजी चौधरी हरमोहन सिंह यादव जी ने विशेष रुचि दिखाई और जहाँ तक हो सका मदद करी, हर काम में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और कहीं ना कहीं इस आश्रम के बनने के बाद हमारे जो क्षेत्र है मेहरवान सिंह का पुरवा, इसमें एक आध्यात्मिक रंग आया। हमारे यहाँ स्कूल हैं, कॉलेज हैं, मंदिर भी हैं। एक समाधा आश्रम पहले बना हुआ है नहर के पास, और जब ये आश्रम की स्थापना हुई तो कहीं ना कहीं क्षेत्र के लोग, समाज के लोग आध्यात्म की तरफ भी आगे बढ़े।
जैसा कि हम सब सभी जानते हैं कि इस समय समाज में तमाम बुराइयां हैं, तमाम विकार समाज में इस समय पैदा हुए हैं, तो मेरा ये मानना है कि बिना एक गुरु के सानिध्य के, गुरु के आशीर्वाद के, एक अच्छे समाज की स्थापना नहीं हो सकती है। इसलिए हम सभी को यहाँ पे आना चाहिए, समय निकालना चाहिए, और जो हमारे जो गुरु हैं, हमारी दीदी हैं, जो हमें ज्ञान देती हैं, उन सबको अपने जीवन में पिरोना चाहिए। अब आज पहली बार मैं यहाँ आया हूँ और आज वादा करके जा रहा हूँ कि जब भी आप लोग बुलाएंगे आगे ज़रूर आऊँगा, और हमसे जो भी मदद हो पाएगी, जो भी सहयोग हो पाएगा, इस आश्रम के प्रति मैं करूँगा। ओम शांति।
सभी लोग जाएं भोग लेकर, इधर सुनीता बहन दे रही है भोग।